गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग उठ जाओ ना उठ जाओ आज क्या है आज तो दीदी का बर्थडे है ना केक बना केक बनाएंगे आज अपन है ना और और क्या बनाऊं केक के साथ में और क्या, क्या खाओ कप केक्स, केक्स भी ओ बॉप रे तो अपन केक बना लेते ना कपकेक केक अभी तो बनाए थे अपन ने कल परसों बनाए थे ना आज केक बनाएंगे अच्छा मस्त बड़ा सा ओके विश्टे ओके जीजी जी को विश नहीं किया लेकिन आपने तो तो किया नहीं वीडियो में और सारे फ्रेंड्स को हाय हेलो बोलो हाय। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कैसे हो आप लोग कैसे हो आप लोग आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारा। तो आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो से स्टार्ट कर रही हूँ मैं तो फेस तो वैसे भी मेरा कवर रहता है और जिन्होंने रिक्वेस्ट करी है उन्होंने बोला है कि आपको सिर्फ फेस फेस कवर करना है मतलब पूरे दुपट्टे को नेक के ऊपर तक फेस को कवर करना है तो ये देखिए इस तरह से मैं नेक के ऊपर तक ही अपने चेहरे को कवर कर रही हूँ तो जिन्होंने ये रिक्वेस्ट करी है उनसे मैं पूछूंगी कि ये रिक्वेस्ट आपकी पूरी हुई कि नहीं हुई तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं करूँगी मैं इसको सिर्फ़ एक या दो मिनट तक ही कर पाऊँगी और क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और लाइट बहुत ज़्यादा जारी है तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं इसको फेस को कवर कर रही हूँ दोपट्टे से तो आप बताइएगा आपका रिक्वेस्ट पूरा हुआ कि नहीं हुआ क्योंकि ये देखिए इस तरह से कर लिया है मैंने और आज का जो मेरा व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है ये रिक्वेस्टेड वीडियो से ही और आज आपको स्टार्टिंग में पता चल गया होगा कि काव्या ने क्या बोला है उसकी सिस्टर जो है ना उसका बर्थडे है आज और उसी की तैयारी करनी है मुझे तो मैं बनाऊंगी आज केक और केक में बहुत टाइम लग जाता है तो पूरा दिन भर आज मुझे केक के मतलब डेकोरेशन में केक बनाने में लग जाएगा तो यहाँ पर ये नारियल रखे थे तो इन नारियलों को मैं कुछ रेसिपी बनाऊँगी उसमें काम में तो यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में और किचन में ही थी वैसे तो मैं तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि सुबह के साढ़े आठ बज रहे हैं और बच्चे नाश्ते के लिए बैठे हैं तो नाश्ते में मैं पूड़ी बनाऊँगी तो यहाँ मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने लपेट रखा है इसको फेस के ऊपर और चाय से पूड़ी बनाऊंगी मैं क्योंकि चाय से पूड़ी हमारे यहाँ हम बहुत खाते हैं बच्चों लोग को बहुत पसंद है तो चाय के साथ ही मैं पूड़ी बनाऊंगी और थोड़ी ज़्यादा बना लूँगी तो बच्चे उसको लंच में भी कर लेंगे और आलू की सब्जी बनाऊंगी तो ये देखिए मैं बता रही हूँ आपको बार बार किस तरह से लगा रखा है मैंने इसको दुपट्टे को लपेट रखा है और इसके बाद मैं थोड़ी देर बाद खोल दूँगी इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो यहाँ पर मैंने दुपट्टा हटा दिया है और ये ये ले आए थे अंडे तो इनको मैंने धो के और इस तरह से रख दिया तो पानी पूरा निकल गया है थोड़ी बहुत सब्जी लेके आए थे तो यहाँ पर ये इसको मैंने पानी में नमक के पानी में डीप करके रखे थे उसके बाद अच्छे से धो के और अब इनको मैं फ्रिज में रख दिए हैं और काव्या ने पूरी नहीं खाई है तो उसको मैं बना रही हूँ मैगी और उसको मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है मैगी तो वैसे सभी को पसंद है तो यहाँ पर मैं उसकी मैगी चढ़ा देती हूँ उसके बाद मैं केक की तैयारी करूँगी तो इस तरह से मैं तोड़ के बनाती हूँ बिल्कुल साबुत जो रहती है ना वो नहीं बनाती हूँ क्योंकि बच्चे क्या ऐसे ही खाते हैं और फिर वो पेट में जाकर नुकसान करती है इस तरह से थोड़े तो टुकड़े हो जाते हैं ना तो वो पचने में भी आसान रहती है नहीं तो वो ऐसे कैसे निकलते रहते हैं और यहाँ पर ये यह एक्स्ट्रा मसाला लाती हूँ मैं मैगी मसाला तो यहाँ केक की के तैयारी कर रही हूँ तो केक देखिएगा आप अगर आपको प्रॉपर रेसिपी अच्छे से देखना है तो हाउ टू मेक पर भी देख सकते हो वैसे यहाँ पर भी मैं आपको पूरा बता रही हूँ यहाँ पर मैंने तीन बाउल मैदा लिया है और यहाँ पर ये है सोडा तो बेकिंग सोडा लिया मैंने हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर लेना है वन टी स्पून तो ये मैं बिल्कुल जो नाप बता रही हूँ उसी नाप से तो लोगे तो आपका जो केक है ना बहुत सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा बहुत सॉफ्ट बनेगा आप मेरे हाउ टू मेक चैनल पे भी जाके देख सकते हो वहाँ पर मैंने केक की बहुत सारी रेसिपीज डाल रखी है और यहाँ पर अंडे ले रही हूँ चार तो इन चारों अंडों को मैं येलो और वाइट भाग दोनों को अलग अलग फेंटूँगी यहाँ पर काव्या की मैगी हो गई थी यार तो उसको दे दूंगी वो ले जाएगी आकर और यहाँ पर मैं शुगर पीस लेती हूँ तो शुगर में इकट्ठी पीस के रख रही हूँ पाउडर करके तो मुझे काम आती रहती है शुगर पाउडर अभी ख़त्म हो गया तो मैंने सोचा अभी पीस लेती हूँ ज़्यादा तो ये देखिए बिल्कुल बारीक मतलब पाउडर तैयार कर लिया मैंने इसका और यहाँ पर ये ग्राइंडर है हैंड ग्राइंडर, हैं ग्राइंडर इलेक्ट्रिक हैंड ग्राइंडर इसी से मैं करती हूँ जब मैंने अपना हाउ टू मेक चैनल स्टार्ट किया था ना उस समय लेके आई थी इसको दूसरा साल जा रहा है और ओवन भी उसी समय लेके आई थी ओटीजी जो है ना वो भी उसी समय लेके आई थी मैं और मतलब अच्छा चल रहा है अभी तो कोई शिकायत नहीं है दोनों से तो यहाँ पर ये देखिए एक बार जरूर इस तरह से लगा के चेक कर लिया करें फिर उसके बाद यूज़ में लेना और यहाँ पर ये येलो भाग को मैंने अलग रख दिया है और जो व्हाइट वाला भाग है ना उसको फेट रही तो देखिए इस तरह से फेन जैसा बन गया इसमें देखिए ये इस तरह से बनता है ना तो केक बहुत सॉफ़्ट बनता है ये देखिए अब इसको मैं मतलब इतना फिट गया है उसको अलग रख देते हैं और शक्कर ले लेते हैं तो शक्कर को भी छानेंगे क्योंकि कभी कभी दाने रह जाते हैं तो अच्छा नहीं मतलब थोड़ा छान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो यहाँ पर मैं शुगर पाउडर छान लेती हूँ तो यहाँ पर तीन कप मैदा में मैंने यहाँ पर लिया है डेढ़ कप शुगर आप चाहो तो दो कप भी ले सकते हो लेकिन मैंने नॉर्मल मीठा रखा है ज़्यादा मीठा नहीं रखा है तो यहाँ पर मैंने डेढ़ कप शुगर लिया है और ये पूरी डेढ़ कप शुगर डल जाएगी इसके अंदर और डेढ़ कप शुगर के साथ ही इसको मैं थोड़ा थोड़ा डाल के फेंटूँगी तो यहाँ पर हाफ शुगर जो मैं व्हाइट वाले पोर्शन में डालूंगी और आधी जो बचेगी उसको येलो में डालूंगी तो यहाँ पर मैंने व्हाइट वाला पोर्शन अच्छे से फेट लिया है उसमें आधी शक्कर मिला दी है और आधी शक्कर में इसमें मिलाऊंगी तो यहाँ पर जो येलो वाला भाग है ना उसको भी मैं इसी तरह से फेंट रही हूँ मतलब एक दो मिनट फेंटना है उसके बाद इसमें हम डाल देंगे ये मैं घी ले रही हूँ आप चाहो तो ऑयल भी ले सकते हो या फिर घी और ऑयल भी ले सकते हो तो जिस नाप से मैंने मैदा ले लिया है ना उसी नाप से मैं यहाँ पर घी ले रही हूँ वन बाउल तो तीन कप मैदा में तीन बाउल मैदे में वन बाउल मैंने घी लिया है और यहाँ पर ये यह शुगर डाला है मैंने इसमें तो थोड़ी थोड़ी शुगर डाल के अच्छे से फेंट लीजिए आप चाहो तो आधा घी और आधा तेल भी ले सकते हो तो बाकी घी का जो टेस्ट रहता है ना वो बहुत अच्छा लगता है जो स्वीट रेसिपी रहती है ना उनमें घी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर ये पाइनएपल और वनीला दोनों एसेंस है तो यहाँ पर मैंने वन टी स्पून वेनीला एसेंस लिया है क्योंकि पाइनएपल एसेंस की खुशबू बहुत तेज रहती है तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल वेनीला एसेंस ही लिया यानी कि समझ लीजिए आप ये वनीला ही बन रहा है तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध भी लिया है और अभी मैं ले रही हूँ यहाँ पर वन बाउल दूध तो ये जिस नाप से मैंने मैदा लिया ना उसी नाप से मैंने दूध लिया है तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे तो जो येलो वाला भाग है ना उसमें मैं मैदा डाल के फेंट रही हूँ तो यहाँ पर देखिए इससे मैंने फेंट लिया इसको और पूरा मतलब जो दूध था वो डाल दिया जरूरत के हिसाब से आप दूध लीजिएगा इसमें एक या डेढ़ कप दूध लगता है तो ये देखिए यहाँ पर ये ओवन इसमें रखा रहता है लेकिन यहाँ पर ये ग्लास है जो नॉर्मल ग्लास कांच होता है ना वो है अगर मतलब गर्म होता है तो वो ऊपर तक अच्छे से गर्म हो जाता है इस वजह से मुझे जो वहाँ से हटाना पड़े कभी टूट जाए वो ग्लास क्योंकि स्पेशल ग्लास नहीं वो नॉर्मल ग्लास है तो इसलिए मैंने वहाँ से हटा दिया ओवन को और यहाँ पर ही रख के मैं इस टेबल पर रख के ही मतलब जो भी बेक करना होता है इस टेबल पर रख के ही ओवन को और फिर बेक करती हूँ और जब काम हो जाता है तो वापस उसको कबड़ के अंदर रख देती हूँ और ज़्यादा हैवी तो है नहीं ये ओवन बहुत हल्का है तो उठ जाता है तो यहाँ पर पहले मैं इसको 10 मिनट प्री हीट करूंगी तो मैंने ओवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया है 10 मिनट 200 डिग्री टेम्परेचर 200 डिग्री पे और 10 मिनट के लिए उसको प्री हीट करा है मैंने वॉम पे तो वाम पे रख के प्री हीट करा है और यहाँ पर ये यह देखिए ये पूरा अच्छे से मैंने मैदा डाल के मतलब फेंट लिया है अब इसमें ये जो वाइट वाला पोशन था ना एक कप उसको डाल के मैं फेंट रही हूँ तो यहाँ पर डेढ़ कप दूध लगा है तीन कप मैदा में और एक कप घी लगा है तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मतलब ये जो बेटर है ना तैयार हो चुका है और यहाँ पर ये जो आ, ये केक के बर्तन है जिनमें मैं केक बनाती हूँ तो इनको मैं घी से ग्रीस कर लेती हूँ तो घी या ऑयल या बटर किसी से भी आप ग्रीस कर सकते हो और फिर इसके अंदर थोड़ा सा मैदा इस्प्रे कर दो ताकि केक जो है ना नीचे से अच्छा से मतलब कलर आए उसका बेक होते समय और ये देखिए इस मैंने इस्प्रे कर दिया है चारों तरफ मैदा और और अब इसे मैं डाल दूंगी इसके अंदर जो हमने केक पे बर्तन तैयार करे हैं तो बिल्कुल आधा आधा भरना है इसको ज़्यादा नहीं भरना है क्योंकि ये बेक होके जब फूल ऊपर आता है ना तो बाहर भी निकल सकता है इसलिए इसको आप आधा आधा ही भरिए थोड़ा खाली रहेगा तो चल जाएगा और यहाँ पर ये मशीन को मैं साफ़ करके कर रख देती हूँ क्योंकि जो शकर जो मैदा है ना वो उड़ता है तो अंदर तक जाता है तो वो ख़राब हो जाता है और यहाँ पर ये यह सब्ज़ियाँ भी धो के रखी थी तो इनको भी मैं रख देती हूँ जमा के क्योंकि अभी ओवन गरम हो रहा है तो इस बीच में मैंने सोचा सब्ज़ियाँ गरम सब्ज़ियाँ जमा दूँ और यहाँ ओवन गर्म हो गया था तो ये मैंने रख दिया है तो इसको मैंने रखा है और यहाँ पर ये यह काव्य आ गई थी तो मैं इससे बोल रही हूँ कि इसे दूर रहना ओवन से इसके पास नहीं आना और वो बोल रही मम्मा केक बना रहे हो मैं सबको बता दूँ तो मैंने कहा नहीं नहीं किसी को नहीं बताना अभी तो वो भाग गई वापस और ना तो मैंने इसको ओवन को रखा है मैंने 40 मिनट के लिए और 180 डिग्री टेम्परेचर पे रखा है तो यहाँ पर ये यह सब्ज़ियाँ और आलू लिए थे मैंने दो किलो आलू लिए थे आलू बहुत मैं सोच सोची थी कुछ बनाऊँगी आलू से लेकिन फिर पोस्टपोन हो गया और फिर हम लोगों ने शाम को डिनर में कुछ और ही बनाया था तो यहाँ पर ये यह टमाटर तो बहुत महंगे और इसलिए मैंने हाफ के जी लिया था और एक ककड़ी ली थी तो ये तो अभी बहुत अच्छी है खाने में तो बस ये सब सब्जियों को मैं रख देती हूँ और उस बीच में हमारा केक भी तैयार हो जाएगा तो कम से कम उसको चालीस पैंतालीस मिनट लगेगा केक को अच्छे से बेक होने में और यहाँ पर ये यह सब्जियाँ रख देती हूँ मैं फिर उसके बाद उसको डेकोरेट करना पड़ेगा मुझे और ये मिठाइयाँ रखी बहुत सारा भी राखी पे बहुत सारा सामान आया था और ये पूजा के झाड़ू मैंने अपने उनकी मतलब मंदिर में रख दी है और ये मिठाइयाँ बहुत सारी मिठाई कितनी खाएं मिठाई तो ये मैं वापस इसको ये रख दियो ला कर क्योंकि फ्रिज में रख देंगे तो ज़्यादा ठंडी हो जाएगी और मतलब बहुत फैल रहा था यहाँ पर भी तो, तो मैंने थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया है और केले रखे थे दो तो उनको फेंक दूंगी मैं कोई नहीं खाएगा उन केलों को और यहाँ पर ये सारी सब्जियाँ मैंने रख दी हैं फ्रिज में तो चलिए देखते हैं फिर तो यहाँ पर ये केक बन गया था और इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था फ्रिज में ऊपर का इसका जो पार्ट ना कड़क वाला उसको मैंने निकाल दिया था और इस तरह से मैंने ये सॉस बनाया था चॉकलेट डार्क डार्क चॉकलेट का आइसिंग कर रही हूँ तो इसकी जो रेसिपी है वो मेरे हाउ टू मेक चैनल पर आप देख सकते हो तो इस तरह से मैंने इसको जो डार्क चॉकलेट है ना उसको उसका मैं इस पर आइसिंग करी हूँ और यहाँ पर ये शुगर कैंडी थी चॉकलेट वाली तो उसे साइड से इसको मैंने डेकोरेट करा है बहुत सुंदर केक लग रहा था बहुत अच्छा तो ये देखिए इस तरह से तैयार हुआ है ये और इसको और थोड़ा डेकोरेट करना है तो यहाँ पर इसमें डालती हुए ये वाइट चॉकलेट तो जो बीच का एरिया खाली है ना और वहाँ पर जो ब्लैक डार्क चॉकलेट है वहीं पर मैं इसको वाइट वाली चॉकलेट को डाल दूँगी और घर का केक तो पता ही नहीं चलता कैसे ख़त्म हो जाता है बच्चे तिल्दी से जल्दी खाते हैं ना और यहाँ पर ये चेरी लगा दी है मैंने थ्री चेरी से इस तरह से मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है और यहाँ पर जो ये शुगर का जो है ना ये शुगर का डेकोरेशन मैंने खुद ने बनाया है ये शुगर से शुगर सिरप से तैयार होते हैं और इसकी रेसिपी भी भी बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और ये देखिए इस तरह से बनाया है ये जिस तरह से सोन पापड़ी बनाते हैं ना तो उसकी जो रेशे बनते हैं ना बिल्कुल छल्ले बनते हैं ना उसी तरह से बनाया है इसको तो सोन पापड़ी भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हो बहुत बहुत अच्छी बनी थी वो तो इस तरह से मैंने इसको बना के और फ्रिज में रख दिया था तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखिए केक बहुत सुंदर लग रहा है और खाने में बहुत टेस्टी रहता है तो ये केक बनके तैयार हो चुका है अनुष्का के बर्थडे का और आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये केक आ, बनाने का तरीका केक कैसा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और आज का ब्लॉग कैसा लगा ये भी बताइएगा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा शेयर करिएगा करें, लाइक करिएगा चैनल पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा फिर मिलूँगी बाय थैंक यू